now output of this monostable multivibrator remains low until it is triggered the monostable multivibrator is triggered by the trailing edge of pulse width modulated signal so in this way we are generating ppm and pwm now we come to demodulation of pwm now for uh, demodulation the pwm signal is first applied to an inverter then to a ramp generator then a pulse uh, is added to ग्नल एंड वी अप्लाई अलिपर टू ऑप्टेन अ पैम सिग्नल पीडब्ल्यू एम और पीपीएम दोनों के डी मोडुलेशन हुए पहले हम पीडब्ल्यू एम और पी पी एम सिग्नल को पैम सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और फर्दर यूजिंग होल्डिंग सर्किट एंड लो पास फिल्टर वी कैन डी मोडुलेट दिस पल्स एम्पीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सो दिस इज अ डायग्राम विच शोज दीडब्ल्यू एम डी मोडुलेशन दिस इज अ पल्स विथ मॉड्यटेड सिग्नल

उसके बाद थर्ड ब्लॉक आएगा जहां पे हम एक पल्स ऐड करेंगे टू दिस रैम्पे विद पोर्च पल्स को ऐड कर दिया उसके बाद देर इज द नेक्स्ट स्टेप इज अ क्लिपर एंड दिस इज अ क्लिपिंग लेवल इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जितनी भी इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जो पल्स लाई करती है वो पास हो जाएगी रेस्ट विल बी क्लिप्ड आउट सो दिस द पोर्शन ऑफ द सिग्नल दैट इज लाइंग बिलो दिस क्लिपिंग लेवल विल बी क्लिप्ड आउट

बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो पल्स की विथ है वो जो हमारा रैम जनरेटर है वो इस पल्स की विथ पे डिपेंड ना करके पल्स की स्टार्टिंग पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो जहां पे भी पल्स स्टार्ट होगी वहां पे रैम जनरेशन बंद हो जाएगी एंड द पोर्च विल स्टार्ट सो द हाइट ऑफ दिस डिफरेंट रैम वेव फॉर्म्स विल डिपेंड अपॉन द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ दिस पी पल्स नाउ द रेस्ट

Low pass filter. So, this is the comparison between PAM, PWM, and PPM. So, that is all for today. Thank you very much.